इस वीडियो में हम इंटर की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यह वीडियो जो है क्लास ट्वेल्थ के छात्रों के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया है इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी के लिए कल से आवेदन। तो जी हाँ, जिन छात्रों ने क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दिए हैं और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक से यदि वे खुश नहीं हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं उनको डाउट है अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक पर और वो दोबारा भी चेक करवाना चाहता है अपना कॉपी का, तो उसके लिए लिंक जो है कल से खुलेगा। तो ये दैनिक जागरण का पेपर है जो आज 31 मार्च 2021 का पेपर है। इसमें दिया गया है, ये पटना का न्यूज है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी की स्क्रूटनी के लिए आवेदन 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्वीकार करेगा। तो ये 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। तो 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा और ये चलेगा उसके बाद जो है 7 अप्रैल तक। ये आवेदन की प्रक्रिया जो है 7 अप्रैल तक चलेगा। तो 7 अप्रैल तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आवेदन करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट है biharboardonline.bihar.gov.in। इस पर जो है इस वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो छात्रों ने क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दिए हैं और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक से उन्हें डॉट बुझा रहा है, तो उनका कॉपी सही से चेक नहीं हुआ और वो स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से 1 अप्रैल से आप अप्लाई कर दें 7 अप्रैल के बीच में। और पर विषय जो है आपको 70 रुपया इसके लिए चार्ज लगेगा और उसके बाद जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने के लिए लिंक भी दे देंगे जहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।